हम उसे है कि टेक्नोलॉजी हम समझे नहीं। आप हमें यह बताइएगा कि आपका बेटा जैसा 50,000 रुपए से 15,000 करोड़ रुपए कैसे कमा लेता है, ये टेक्नोलॉजी समझेगा ना हमें। हमें यह टेक्नोलॉजी समझेंगे कि आपका बेटा किसी से का सेक्रेटरी कैसे बन गया, ये टेक्नोलॉजी समझेंगे। आप लोग तो उल्टा में लेके रहे हैं कि आप लोग देश के कप्तान है, आप एंटी नेशनल है। हमारे देश के अंदर 2014 से पहले अगर सरकार की गलत नीति के खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो उसे विपक्ष का दर्जा दिया जाता था, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है, सरकार की नीति के खिलाफ, सरकार के गलत फैसले के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसे देशद्रोही का दर्जा दिया जा रहा है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप हमें देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाले कोई नहीं होते। अभी हमारे देश को आजाद करवाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराभा जैसे अनगिनत लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। उन्होंने जान न्यौछावर इसलिए नहीं किए थे कि देश आजाद हो गया, और देश का आजाद होने के बाद में आज 70 साल की आजादी के बाद में लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और लोगों को ये कहना पड़ेगा कि हम इस देश के निवासी हैं, हम भारतीय हैं, हमारी नागरिकता हमसे 70 साल के बाद पूछ रही है। इसलिए देश की आजादी के लिए हमने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन लोगों ने इसलिए देश के लिए आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी थी कि हमारा देश आजाद होगा। आजाद होने के बाद में इस देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हर एक नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान को उसकी फसल का भाव मिलेगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, और तमाम इस आम आवाम के लोग हैं वो मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहेंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है वो तो कुछ अलग ही काम कर रही है। दोस्तों, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप पिछले 20 दिन से इस सीकर के अंदर शाहीन बाग जो हमारा आंदोलन बन चुका है, वो तो एक शाहीन बाग दिल्ली के आप शाहीन बाग को उठाने की बात कर रहे थे, बता नहीं देश के अंदर कितने शाहीन बाग बन गए। मोदी जी, आप किस किस को उठाओगे, आप किस किस को उठाओगे? वो जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, आज उन्हीं हमारी दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटियों के ऊपर वो लाठियां ही नहीं वो गोली चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सरकार से क्या देना चाहते हैं कि आप कितनी भी लाठी चलाइएगा, कितनी भी गोली चलाइएगा, लेकिन इस देश का बेटी बहन माँ भाई कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। आप जितना भी हमारे ऊपर अत्याचार करोगे, हम उच्चे कदम ताकत के साथ, हम उच्चे दूरी ताकत के साथ आपके खिलाफ खड़े होंगे, और देश के अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों के खिलाफ, हमारे दलित भाइयों के खिलाफ, हमारी जनता के खिलाफ अगर आपने आंख उठाने की कोशिश की तो मोदी जी आपकी गर्मी अभी जब कह रहे थे कि देश की राजधानी के अंदर अब की बार मोदी की सरकार बनेगी, उसी दिल्ली की जनता ने आपको धूल चटाने का काम किया, आपको धूल चटा दी है, आपको आपकी औकात दिखा दी है कि इस देश को पाटना बंद करे और देश के अंदर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की राजनीति करे। आप लोग वो लोग कह रहे हैं कि हम इसको मुक्त कर देंगे, भारत को इससे मुक्त कर देंगे, हम कह रहे हैं कि आपकी शुरुआत हो गई है। आप तो कह रहे थे ना कि अब मोदी का राज नहीं जाएगा, 2024 आ रहे हैं, देश की जनता खड़ी हो रही है, देश की जनता समझ रही है कि किस प्रकार की सरकार है। वो हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटेंगे, लेकिन हम बटेंगे नहीं, हम हमारे मुद्दों को लेकर संघर्ष करेंगे, आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। करने से पहले ये बात आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर मैं जिस संगठन से आता हूं, विद्यार्थियों की लड़ाई हम लड़ते हैं, हम समाज में हर कोई गलत बात होती है उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, और मेरे संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने सबसे पहले देश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस CAA और NRC के खिलाफ हमने याचिका दायर की। सिकर में बैठे लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सिकर शहर में भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिकर के जाट बाजार को शाहीन बाग नाम दे दिया गया है। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं
कि आपके चाट बाजार का नाम चाट बाजार ही रहेगा, लेकिन ये शाहीन बाग जो आंदोलन है वो आंदोलन मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। कुछ लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, वो हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस शाहीन बाग की खूबसूरती देखिएगा। यहाँ पर माइनॉरिटी नहीं बोल रही है इस मंच के माध्यम से, इस मंच के ऊपर हिंदू भी आ रहे हैं, इस मंच के ऊपर जाट भी आ रहे हैं, इस मंच के ऊपर दलित भी आ रहे हैं, इस मंच के ऊपर ब्राह्मण भी आ रहे हैं। हर समुदाय के लोग इस मंच पर आके आपकी आवाज से आवाज मिलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बार पुनः आप तमाम लोगों के हौसले को, आपके संघर्ष को सलाम करता हूँ, और मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूँ कि जब भी ये सरकार आपकी तरफ कोई अंगुली उठाएगी, अगर उन्होंने ईंट से हमें मारा तो उसका जवाब हम पत्थर से देने का काम सरकार का अनुभव के सुन ले। अगर हमारे भाई बहनों की तरफ उन्होंने आग उठाई तो अच्छा नहीं रहेगा, और आप देश की जनता जाग चुकी है और देश की जनता अपने मुद्दों की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेगी। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, आपकी एकता जिंदाबाद।